कोरोना संकट के कारण देश भर में हुए लॉकडाउन के वजह से कई लोगों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ रही है। ठीक उसी तरह मुंब्रा के लोग कई तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं। हर बार रमज़ान की रौनक मुंब्रा में दिखाई देती थी, लेकिन इस बार रमज़ान काफ़ी सादगी से मनाया गया। अब जैसे तैसे रमज़ान तो निकल गया, लेकिन अब ईद की खुशियों पर भी कोरोना का संकट मौजूद है। गले मिलकर बड़ों का हाथ चूमकर ईद की बधाई दी जाती थी, लेकिन कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग भी काफ़ी अहम है और सारे लोगों को इसका पालन करना ज़रूरी है। ईद की नमाज भी अब घर में ही पढ़ना होगा। सुनिए इस बारे में मुंब्रा के सीनियर कन्हैया थोराट ने क्या कहा है। मुंब्रा की जनता को मेरा यही अपील है कि ये ईद हम कोरोना के इस पे एकदम सादगी से मनानी है, क्योंकि अगला ईद अगला रमज़ान हमें बहुत खुशी से मनाना है, क्योंकि इस साल हमें नमाज नहीं पढ़ सकते यहाँ पर मस्जिदों में, हमें घर पे नमाज पढ़नी है। तो सबसे मेरी अपील है कि कोरोना का संक्रमण ज़्यादा ना हो, इसीलिए हम लोग ये ईद पूरी सादगी से मनानी है। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।